तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीकमगढ़ की, जहां जिले के 6 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। नगर पालिका टीकमगढ़, नगर परिषद बड़ा गांव, धसान, कारी जतारा, लिथोरा और उसी के साथ ही पलेरा में मतदान जारी है। 161 मतदान केंद्र पर 1,23,021 मतदाता वोटिंग करेंगे और साथ ही मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो टीकमगढ़ से खबर, जहां पर जिले के 6 नगरीय निकायों में मतदान जारी है। नगर पालिका टीकमगढ़ की बात की जाए या नगर परिषद बड़ा गांव, धसान और कारी जतारा और लिथोरा की बात की जाए या पलेरा में मतदान सुबह से ही जारी है, जहां पर तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जहां लंबी लंबी कतारों में लगते मतदाता नजर आ रहे हैं और साथ ही सुरक्षा की बात करी जाए तो सुरक्षा के भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और इसी के चलते मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश के 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान आज हो रहा है और इसी के चलते कुल मतदाताओं की बात की जाए तो 49 लाख से भी ज्यादा मतदाता है मध्य प्रदेश में, जो आज अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। और साथ ही तमाम प्रत्याशी, महापौर की बात की जाए या फिर पार्षदों की बात की जाए तो उनके भाग्य का फैसला भी आज मतदाता करते नजर आने वाले हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हमारे साथ में संवाददाता सुधीर पटेरिया जुड़ चुके हैं। सुधीर, टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के मतदान का आज शुरू हो चुका है, सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है टीकमगढ़ में? अनुमा, मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ की 6 नगर पंचायतों पर आज चुनाव सुबह से 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। जी अनुमा जी, जी सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर और मध्य प्रदेश में कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है बारिश को लेकर, तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथों पर? अनुमा, मैं आपको बता दूं कि टीकमगढ़ जिले में जो 6 नगर पंचायतों का चुनाव हो रहे हैं वहां को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगर ऐसे में कोई स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन तत्पर खड़ा हुआ है और जहां पे बात की जाए लोगों की मतदान करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे उनके पानी की व्यवस्था और बैठने की व्यवस्था और लोग कहीं भ्रमित ना हो इसको लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं। जी, अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना भी लगातार अपना कहर बरपा रहा है, ऐसे में पोलिंग बूथों पर कोरोना से सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? मैं आपको बता दूंगा, कोरोना जैसे ही चुनाव आता है तो कोरोना को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति टीकमगढ़ जिले में देखने को तो नहीं मिल रही है, क्योंकि जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, सोशल डिस्टेंस का टोटल उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के ऊपर सवाल तो खड़े होते हैं, लेकिन चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में लोग अपने तरीके से मत का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपना मतदान कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए, और आप नजरें बना के रखें, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो टीकमगढ़ से खबर, जहां जिले के 6 नगरीय निकायों में मतदान जारी है, सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर बात की जाए नगर पालिका टीकमगढ़, नगर परिषद बड़ा गांव, धसार, कारी जतारा और लिथोरा और पलेरा में मतदान सुबह 7 बजे से ही जारी है, जहां पर 1,23,021 मतदाता अपने वोट का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, हमारे साथ में बने रहने के लिए देखते रहिए सातना न्यूज़। नमस्कार।